प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। अज आपां तुहाड़ी 8वीं जमात की पाठ पुस्तक क्रुंबलां दा पाठ नंबर 2 सबर की दौलत कहानी के प्रश्न उत्तर याद करांगे। प्रश्न नंबर 1, इस कहानी का सार अपने शब्दों विच लिखो। उत्तर, इस कहानी विच दस्या गया है कि सबर संतोख बंदे की सब तो वड्डी दौलत है। अजिही दौलत वाला बंदा सदा सुखी रहिंदा है। जिवें इसके इस कहानी विच दस्या गया है कि सुरेश जदों मेहनत करदा सी तां उसका परिवार सुखी सी। रब की कृपा नाल सुरेश की करोड़ां की लाटरी निकल आउंदी है। पैसा उसके परिवार नूं वेलड़ अते बच्चियां नूं विगाड़ दिंदा है। फिर किरत वल परतन कारण परिवार खुशी खुशी वसण लगदा है। प्रश्न नंबर 2, पैसा आउण तों पहलां सुरेश दे घर दे माहौल बारे बयान करो। उत्तर है, पैसा आउण तों पहलां सुरेश दे घर दा माहौल बड़े सबर सिदक वाला सी। उसदा परिवार आमदनी अनुसार खर्चा करदा सी। घर विच खुशी दा माहौल सी। उसदे घर रब दा वास सी। प्रश्न नंबर 3, पाठ सबर दी दौलत कहानी विच घर विच पैसा आ जाण ते सुरेश दा घर दा माहौल किस तरह दा हो गया। उत्तर है, पैसा आ जाण कारण सुरेश दे घर दा माहौल खुशी भरिया हो गया। उसदे बच्चे अपनी ख्वाहिशां दस रहे सन। पत्नी अपनी फरमाइश सुना रही सी। सुरेश भी वड्डा काम करन अते वड्डी कोठी लैण बारे सोच रहा सी। ओह सोचन लगा कि हुण खूब ऐश करांगे। प्रश्न नंबर 4, सुरेश दी पत्नी दियां केड़ियां गल्लां ने उस दियां अखां खोलियां। उत्तर, धन दौलत आउण ते सुरेश आलसी हो गया अते ऐश प्रस्ती विच पैन करके उन्हां दा सुख चैन लुटिया गया सी। उसदी पत्नी ने कहा कि संभल जावो अते कोई काम धंधा करो अते बाबे नानक दी सिख्या नूं याद करो, नहीं तां सुख चैन ही नहीं सगों औलाद तों भी हाथ धो बैठांगे। पत्नी दियां इह गल्लां सुन के उसनूं झुंझणी जिही आ गई अते उसदियां अखां खुल गईयां।